और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से आम पब्लिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो किसान हाईवे के दोनों तरफ बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक हाईवे पर लंबा जाम है और हाईवे एक तरह से कह लीजिए ठप हो चुका है। आम पब्लिक को काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद रूट को डाइवर्ट किया गया है। अब सिंघू बॉर्डर से करनाल जाने वाली गाड़ियों को नरेला की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है। अब करनाल की तरफ जाने वाली गाड़ियां नरेला से सफेहाबाद होकर सोनीपत जा रही हैं। तो जहां एक तरफ किसान आंदोलनरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ NH-44 पे वो बैठे हुए हैं। पूरे हाईवे के दोनों तरफ किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण परेशानी आम लोगों को हो रही है जिन्हें दिल्ली से करनाल जाना है। अब उनको अल्टरनेट रूट के जरिए करनाल जाने को बोला गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि करनाल की तरफ जाने वाली गाड़ियां अब नरेला से सफेहाबाद होकर सोनीपत जा रही हैं। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से किसानों के प्रदर्शन के बाद अब आम लोगों को परेशानी होने लगी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जो है लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि रूट डाइवर्ट हो गया है, पूरा हाईवे किसानों ने जाम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज सुबह भी इनकी एक बैठक हुई थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही और उसके बाद इस तरीके से आगजनी करते नजर आए। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ आम पब्लिक को इस विरोध प्रदर्शन से काफी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल पब्लिक की प्रॉब्लम को देखते हुए रूट जरूर डाइवर्ट कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर से करनाल की तरफ जाने वाली गाड़ियां अब नरेला की तरफ डाइवर्ट कर दी गई हैं। मेरे सहयोगी जतिन शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। कृषि कानून के विरोध में पंजाब से निकले किसान दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और अब सिंधु बॉर्डर पर ही बैठकर वो अपना प्रदर्शन आगे जारी कर रहे हैं। इस वजह से जो दिल्ली से करनाल जाने वाला हाईवे NH-24 पूरी तरीके से बंद है। आप देखेंगे कि दोनों तरफ से ये हाईवे बंद है क्योंकि किसान इस हाईवे के ऊपर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी है तो दूसरी तरफ किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी मैदान में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसान का यही कहना है कि वो सिंधु बॉर्डर पर बैठकर ही प्रदर्शन करेगा, जिसके चलते रूट जो है वो अब डाइवर्ट किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिंधु बॉर्डर की, जो गाड़ी सिंधु बॉर्डर से सीधा करनाल की तरफ हाईवे NH-24 के जरिए जाती थी, उस गाड़ी को अब ये नरेला की तरफ डाइवर्ट किया गया है। नरेला की तरफ से अब वो गाड़ियां यहां से निकल रही हैं, जो कि सफेहाबाद बॉर्डर होते हुए सोनीपत में दाखिल होंगी और उसके बाद आगे जा सकती हैं। हालांकि जो सफेहाबाद बॉर्डर है वो काफ़ी नैरो रोड है, काफ़ी पतली संकरी रोड है, जिस वजह से जो फोर व्हीलर गाड़ी है उसी को ही भेजा जा रहा है, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी है उन सभी को सिंधु बॉर्डर पर ही रोका गया है। आप देखेंगे कि लाइन से जो ट्रक है वो यहाँ पर सारे कमर्शियल गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया है क्योंकि NH-24 बंद है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।